कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक। मैं साइमा खान एक दफा फिर आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। तो जनाब, आज हम लोग फिर एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा हेयर स्टाइल लेके आए हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने हेयर स्टाइल की तरफ और उसकी पार्टीशन कर लेते हैं। जी, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से निकालेंगे अपनी रिक्वायर्ड मांग, जहाँ से भी आप निकालना चाहते हो, लेकिन हेयर स्टाइल की जो डिमांड है उसकी मांग यहाँ से निकलेगी। और बैक की पार्टीशन, जो बैक कॉमिंग की होती है, वो आप कर लो। इस तरीके से पीछे को चले जाएंगे आपके बाल। तो ये देखेंगे, मैंने बैक हिस्सा अलग कर दिया है और फ्रंट हिस्सा अलग है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जब हम लोगों ने ये दो पार्ट्स कर लेने हैं, तो हम लोगों ने अब यहाँ पर एक थर्ड पार्टीशन करनी है, यानी मांग निकाल लेनी है। ठीक है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अगर आपके बाल नीट नहीं है तो आप इनको आयरन जरूर कर लें। अब हम क्या करेंगे कि पार्टीशन के ये जो बाल हैं, इनको हम लोग यहाँ पर पिनअप कर लेंगे। ठीक है जी, अब इस पार्टीशन को हम लोगों ने पीछे पिनअप कर दिया ताकि हमारा काम आसान हो सके। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये वाली एक बारीक सी हम लोगों ने लट उठानी है। मैं आपको इसकी भी पार्टीशन दिखा देती हूँ, कितनी छोटी सी मुन्नी सी इसकी पार्टीशन है। ये हम लोगों ने उठाई है और इसको हम लोगों ने यहाँ पर तीन हिस्से कर लेने हैं इस तरीके से। अब इसको हमने तीन बल दे दिए हैं, यानी कि जिस तरह फ्रेंच टेल के बल पकड़ते हैं, एक बल दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जिस तरह फ्रेंच में करते हैं कि लटे मिलाते जाते हैं, इसमें सिर्फ एक साइड से आपने फ्रेंच बनानी है। यूं बहुत बारीक बारीक आप लोग लटे लें और देखें आपका रिजल्ट कितना बेहतरीन आता है। ये देखें, मैं बिल्कुल जो है कैमरा ऑफ नहीं करूंगी, आपके सामने ये सारी करूंगी और फिर आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी। ये कैप बन के बहुत प्यारी लगती है। अगर आप इसमें झूमर लगा लें तो आपको ये, सॉरी, घुंघरू लगा लें तो झूमर का लुक देगी, और अगर आप इसमें बीट्स लगा लें तो इंग्लिश स्टाइल देगी। ये देखें, ये साथ में इसको थोड़ा सा लूज कर रही हूँ, इसको मैंने लूज किया साथ। अब मैं फिर बारीक बारीक सी लटें उठा रही हूँ। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है, इसमें जो समझने की बात है वो यहीं पे दरमियान में आएगी, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और ना ही मैं ऑफ कर रही हूँ। ये देखें, ये हमारा तकरीबन सेंटर आ चुका है पफ का। ठीक है, आईब्रो दूसरी का सेंटर आ गया है और जो आपने मिनिमम लेंथ रखनी है वहां तक अब आपने कर लेना। कि ये देखें, आखिरी बाल आपका ये यहाँ आंख के कॉर्नर पे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब आपने इसको लाइट लाइट सा लूज कर देना है। ठीक है, बहुत स्लाइटली। ये देखें, ये लास्ट वाला आपका आ गया है लंबाई का, कि आपके पफ ने यहां तक झुकना है, इसके बाद आंख के ऊपर तक नहीं लेके आना। अब इसके बाद जो आप बल उठाएंगी, उस बल को आपने इकट्ठे करते जाना, यानी आप आपने इसको टाइट करते जाना। ये देखें, ठीक है, इतनी माइनॉरिटी के साथ कि उसका एहसास भी नहीं होगा कि ये टाइट हो गया। ठीक है, और ये श्लिंग होके आप दोबारा वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, अब मैं इसको माइनर माइनर सा अपवर्ड लेके जा रही हूं, यानी हाफ सर्कल की तरह हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, आपको मैक्सिमम लेंथ इसकी नजर आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर हो गया। बस अब हम इसकी लेंथ यही रखेंगे जहां पर ये आ चुका है और इसके बाद हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, ये आपने कान को कवरेज देते हुए इसको कंप्लीट कर लेना, और यहां पर इसको पिनअप करने से पहले, या अगर आप पिनअप करने के बाद कर सकते हो, आपकी परफेक्शन है तो आप पिनअप करने के बाद भी कर सकते हो। ये देखें, उसके बाद हमने इसको फिर थोड़ा थोड़ा सा लूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये आपका हेयर स्टाइल जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दें, जो छोटे छोटे बाल हैं। आइए अब हम लोग इसमें बीट्स करते हैं। जी, तो अब हमारी ब्रेड जो है वो रेडी हो चुकी है। ये देखें, बीट्स की हैं तो कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखें, अब मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाती हूँ। ये इसे आप पठानी ब्रेड भी कह सकते हो, इसके पीछे आप जूड़ा भी बना सकते हो। ये मैक्सी के साथ बहुत खूबसूरत लगेगा। मुझे साइमा खान को दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।